महातप। स्मरण है ना, पराजित हुए तो जल 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 समाधि अवश्य। आप स्मरण रखिएगा कि यदि आप पराजित हुए तो वह निःशुल्क शिक्षा वाला गुरु सदैव वहीं रहेगा। हाँ स्वीकार है, स्वीकार है। शास्त्रार्थ आरंभ करो। तो ये बताएं आचार्य महातप, कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके खोने के पश्चात भी मनुष्य को दुख नहीं होता? क्रोध। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे खोने के पश्चात मनुष्य धनी बनता है? लोभ। विद्वान कौन है? भाई जो सर्वज्ञ होते हुए भी करुणा और संवेदनशीलता के महत्व को समझे, उससे परिपूर्ण है। ब्राह्मण कौन है? भाई जिसे सब में ब्रह्म रूप दिखे और जो स्वयं क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण है। क्या संसार में धर्म से बढ़कर भी कुछ है? हाँ, दया। आचार्य ज्ञान मूर्ति, शास्त्रार्थ में केवल एक व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। आपने मुझसे इतने प्रश्न पूछे, अब मुझे भी प्रश्न पूछने का अवसर दे, तभी तो शास्त्रार्थ बराबरी का होगा। पहला प्रश्न, सर्वत्र देखने वाली दृष्टि कौन सी है? रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य। अगला प्रश्न, ऐसा क्या है जो अग्नि से भी ज्वलनशील है? क्रोध। अति उत्तम। ऐसा क्या है आचार्य जिसका भार पृथ्वी से भी अधिक है? दायित्व। नहीं आचार्य, आत्मग्लानि। ये बताइए, ऐसा क्या है जो जल से भी तरल है? वायु। वायु। उदाहरता। अंतिम प्रश्न, अधिक महत्वपूर्ण कौन है, राजा या ईश्वर? ये प्रश्न मेरा है, तुमने कैसे पूछ लिया? अति उत्तम। यदि यह प्रश्न आपका है तो इसका उत्तर भी आप अवश्य जानते होंगे। राजा। राजा ही महत्वपूर्ण है, राजा ही सर्वशक्तिमान है, राजा जिसे चाहे मिटा सकता है और जिसे चाहे जीवन दान दे सकता है। तारानाथ, जी आमाते।
कहिए अपने शक्तिशाली राजा से किस दिए को पुनः प्रज्वलित करते हैं। किंतु सांसारिक अग्नि की शक्ति से नहीं, अपनी शक्ति से। और यदि यह संभव नहीं तो सूर्यास्त तो होने ही वाला है, तो उनसे कहिए कि सूर्य को अस्त होने से रोक ले। अरे बंद करो, मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूं कि राजा ईश्वर से श्रेष्ठ होता है। मेरी ओर से शास्त्रार्थ समाप्त। आचार्य महातम विजय है। काफी नहीं, इसने मेरा प्रश्न पूछकर मुझसे छल किया है और तुम सबने इसके छल में इसका साथ दिया है। मैं इसे पराजित घोषित करते हुए इसे जल्द समाधि का दंड देता हूं। नहीं, विजय हुए हैं आचार्य महातप। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे पराजित घोषित कर रहे हैं? अपने अमात्य का अपमान कर रहे हैं? तुमने भी तो राजा को अपमानित होने दिया। अपनी बुद्धिमता से सिद्ध नहीं कर पाए राजा ईश्वर से बड़ा होता है, अर्थात अब तुम मेरे किसी योग्य नहीं रहे। अब जल समाधि तुम्हें लेनी होगी।